रेडी हो जाए एक बार। वाह वाह वाह, नाम लिखूं तितलियां उड़ के। हेलो एंड अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब फिट हो गया। वेलकम बैक आप सबका एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का सीन नहीं है गाइस कि आज हमारी जो फेवरेट पार्टी जैसे कि काफ़ी लोग नहीं जा रहे, खैर तो देख लो समझ के एक नहीं कहूँगा काफ़ी लड़के जा रहे हैं। सो आज का आखिरी पार्टी के अंदर चली जाती मज़ा आएगा, बिकॉज मैंने जाना नहीं कि बस उनको सब करने के लिए जाना नहीं, पाँच लोगों से काफ़ी मजे के सीन से हो रहे हैं। आप लोग बस देख रहे वीडियो एंड तक देखो, थैंक यू सर। रेडी हो चुके हैं इस वक्त और अपने वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के आपको वेन्यू का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कैसा है और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा है, और उसके बाद अंदर जाके बताते हैं क्या हिसाब किताब है, मॉल चोल देखते हैं। ओवरऑल वैसे पार्टी तो स्टार्ट हो चुकी है बट स्टिल 12 बाद चल रही है तो गर्मी है। लेट्स सी। तो गाइस फाइनली वेन्यू पे हम पहुंच गए हैं और इस वक्त दिन का आई थिंक कोई 12:30 बज रहा है, तो गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। 12 किधर, एक होने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। 12 हो गए, 5 वापस भाई एक बात कर लो। बहरहाल ये दिन का 12 तकरीबन बच चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे है। हमारे फ्रेंड्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ये दो फ्रेंड्स हमारे यूनिवर्सिटी के वहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ कुछ बैठे हैं चेयरमैन साहब। बाकी जो है अंदर का माहौल थोड़ा सा ठंडा है, जितना बोला गया था हमें बहुत ठंडा होगा, जितना बोला गया था बहुत ठंडा होगा, इतना ठंडा है नहीं, बस नॉर्मल है, एवरेज है, कुछ इससे बहुत गाड़ी में मुझे अच्छा फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बस नॉर्मल है। तो बस बाकी अभी तक पार्टी स्टार्ट हुई नहीं, हमें बोला गया था, हमें क्या बोला गया था 11 बजे स्टार्ट होगी, इस बंदे ने बोला 11 बजे का, और इस वक्त एक बज चुका है और अभी तक पार्टी शार्टी का नाम निशान नहीं है। शायद ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड हेड सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड। तो बस आगे सीन जब स्टार्ट होता है आप लोगों को मैं सीन दिखाता हूँ, देखते हैं कनेक्टेड। लेट्स सी हमारी फेयरवेल पार्टी किस तरफ जाती है। एंट्री सीन आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये मार्की, जैसे कि आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट, और मुझे तो ओवरऑल एक अच्छी जगह लगी है, ठीक है, और आप लोग ज़रा देख के बताओ कि कैसा है, क्या ख्याल है आप लोगों का इस वेन्यू के बारे में। इसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाए। प्रोग्राम तो हट गया। अब सबसे गुजारिश है जितने भी बंदे खड़े हैं काइंडली अपने सीटों पर बैठ जाएं ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। बड़े बाना मतलब मिला कि नहीं मिला मुझे पता है पहले दिन से। वैसे तो मेरा पहले भी और उनकी प्यारी सगी बहनों, आप जो इतनी प्यारी हैं, आवाज नहीं आ रही, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी बोली बाली हैं, मेरे से तो गोरी हैं, पैरों से क्यों काली हैं? मेरी आज की तकरीर, मेरी आज की तकरीर इन तमाम उस्ताद-ए-इकराम के नाम से, मेरी आज की तकरीर इन तमाम कतरीना कैफू के नाम जिनका मेकअप उतार दिया जाए, नीचे से राखी सावंत निकल आई, और मेरी आज की तकरीर यूनिवर्सिटी बस ड्राइवर हजरात के नाम, लड़कियों को देख के दूर से दरवाजा खोल लेते हैं, लड़कों के पास लगाते हैं ब्रेक भी नहीं, कहते हैं मामा बेड़ा ही बह नहीं, कहते हैं इन सब का कटेगा। शोर से पता लग रहा है मेरा नाम दानियाल कमरान है और प्यार से मुझे दानियाल ही कहते हैं, क्योंकि मुझे मेरी माँ भी चांद नहीं कहती, क्योंकि चांद बिना घबरा जाए इंशाल्लाह। तो तीसरे सेमेस्टर से ऊपर वाले बाप तो शोर से लग रहे हैं कि मुझे जानते हैं, तीसरे से नीचे वाले इंशाल्लाह आज जान जाएंगे। काफी देर से मेरे जो होस्ट हैं दिल अजीज दोस्त जनाब राशिद गुजर साहब और मानूर अब्बासी साहब, काफी देर से चल रहे, मेरा मतलब है आपको एंटरटेन कर रहे हैं, तो इनकी इंशाल्लाह इस में मैंने कुछ इशार लिखे हैं, खड़ी हो जाए एक बार। माना के जमीन और आसमान में बहुत फर्क है, माना के जमीन और आसमान में बहुत फर्क है, अरे काला तो मैं भी हूँ मानू, तेरा तो बेड़ा ही गर्क है। सामने आओ ना, जिसको मेरा दोस्त गुजर चितान लगता है, जिसको मेरा दोस्त गुजर चितान लगता है, ये आपका करम जाहिया नासिर खान जान लगता है, और दोनों जुड़ के ऐसे खड़े हैं जैसे रब ने जोड़ी बनाई है।
घुमाओ कैमरा, घुमाओ कैमरा, दोनों जुड़ के ऐसे खड़े हैं जैसे रब ने जोड़ी बनाई है। बीबीए वालों घबराओ नहीं, दोनों बहन भाई हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज में जी साहब, बाकी यूनिवर्सिटी में किसी लड़की ने लड़के को बुलाना हो, कहती है एक्सक्यूज मी मेरी बात सुनिएगा, और उर्दू यूनिवर्सिटी में किसी लड़की ने लड़के को बुलाना हो तो कहती है भाई जाना है आपसे एक काम था। लड़कियों को, लड़कों को भाई बोलने वाली तमाम लड़कियों से मेरा एक सवाल है, अगर हम लड़कों में से आप कोई आंटी कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? हमें भी बिल्कुल वैसा लगता है। ओ भाई से याद है नवीन, किधर हो यार नवीन, जिन जूनियर्स को नहीं पता मैं बताता चलूं कि नवीन आपकी तमाम लड़कियों का यूनिवर्सल भाई है। अगर इसे कोई लड़की भाई कह दे तो जी साहब घबराता नहीं है, कहता है कॉर्पोरेट फनी भाई, पंजी छब्बी सताई अठाई। शिफकत साहब मैं बड़ा इनान हुआ, कल एक लड़की का मुझे मैसेज आया, उसने मुझे भाई नहीं नाम लिखूं, तितलियां उड़ के तेरे नाम पे आने लग जाए, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, तू अगर एक झलक अपनी दिखा दे उनको, सब मुसव्वर तेरी तस्वीर बनाने लग जाए, एक लम्हे को अगर तेरा तबस्सुम देखे तो बताता और खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, खूब समझाता तुझे तेरी मिसालें देकर, काश तू पूछने आता कि मोहब्बत क्या है। मेरा है प्यार अमर,
इतना गमगीन गाना है यार, बहुत इमोशनल इमोशनल जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है मैंने तुमसे का पानी मुझे खुद में गाल देता मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाटी का पानी रंग शरबतों का तू मीठे घाटी का पानी मुझे खुद में गाल देता मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाटी का पानी शायरों से के थोड़े से उदास और मैं ये चाहता हूँ दिल से तुमसे यार हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार कोई रा रहा है दिल पे अपने जोर लव मी थोड़ा लव मी थोड़ा धड़ी कर देगा सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा न था उड़ गए तो तेरे तेरे तो उड़ गए तो तेरे ला 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 उड़ गए तो तेरे तेरे तो उड़ गए तो तेरे तेरे सिवा मेरा यहाँ मुझे मुझसे बांट ले जरा सा मुझ में तू जान ले मैं हूँ क्या कभी जो बादल बरसे मैं देखो तुझे आंखें बरके तू लगे मुझे पहली बारिश की तेरे पैदल का फैसला करना सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए मैदान में आप हारे हैं या जीते हैं ये एक अलग मैटर है। तो मेरे ये ख्याल में आज आप मैदान जीत चुके हैं तो इसके लिए आपके साथ के साथ साथ मैं तमाम जो यूनिवर्सिटी के हमारे डिपार्टमेंट के तलबा हैं तलबात हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया मैं ये समझता हूँ कि पार्टिसिपेंट भी आपके साथ ऑर्गेनाइजर हैं उनका भी मैं जो है ना मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने एक डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट की और इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। तो एक बात की स्टूडेंट ने ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप रोटी खोल दो शफीक अहमद। गाइस आई एम सो सॉरी खाना खुलते हुए मैं वीडियो नहीं बना सका उसकी रीजन असल में ये थी कि खाना ऐसा खुला है ना ताले हैं उसने नसी किया ऐसे फोटो में पड़े हैं सारे ये बंदे देख रहे हैं सामने ये जंगली गया है धक्के मारता हुआ सबको तो इस वजह से हम खाने की वीडियो नहीं बना सके। खाने के बाद के मनाजर आप देख सकते जिस तरह किस तरह से खाया हुआ लोगों ने सब इस आते लोग खा रहे हैं अभी भी आते आपको मैं सीन यहाँ दिखा दूँ आते यहाँ पर खा रहे हैं अभी और वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा सीन लेकिन ये बस और ये आखिरी ग्रुप जो यहाँ पर खा रहे हैं और अभी तक पेट इनका भर नहीं रहा हमारा तो पेट फुल हो चुका है और आप देख सकते हैं नवीद भाई को जो कि सब कुछ खाने के बाद भी फिर भी इनका लास्ट जो सेशन है वो खीर के साथ ख़त्म नहीं हो रहा खा खा के। नवीद भाई कितना टाइम है और यार कितना टाइम है और भाई खाने में कितना टाइम है आपका जगह है जगह नहीं ख़त्म हो रही फ्रेंड्स को जो है कि पार्टी से हो गए वेले खाना छाना खा के फ्री हो गए हैं छोटा मोटा जो शुगर मिला था हो गया और अब हम जा रहे हैं कहीं बैठने के लिए क्योंकि यार गर्मी बहुत है मेरा
से बेहतर जगह क्या हो सकती है? पाकिस्तान अपना नवीद भाई बताएंगे कैसा लगा, नवीद भाई को मज़ा आया कि नहीं? बहुत मज़ा आया जी। और मेरे ख्याल से पार्टी जैसी भी हो, पार्टी अच्छी थी, ये कि इंजॉय किया है, लास्ट पार्टी है, इसके बाद काम पे हमने किसी से मिलना है रोज़ तो मज़ा आया ओवरऑल। मेरे ख्याल से 10 में से 7 नंबर तो दे ही सकते हैं, ओवरऑल चीज़ें अच्छी थी। नवीद भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल यार, इस तरह की इवेंट्स वाले को अटेंड करने चाहिए क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के हमारे तकरीबन लास्ट डे चल रहे हैं, यही उसके बाद किसी ने नहीं मिलना, कोई कौन कहाँ होगा कौन कहाँ होगा किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली, लेकिन कुछ हमारे दोस्त अहबाब नहीं आए, चलो उनसे गिला है, लेकिन चलो हर किसी की अपनी चॉइस, लेकिन अच्छा नहीं किया, देखने वाले समझदार हैं लेकिन चलो क्या कह सकते हैं हम। बाकी अच्छा मेमोरेबल डे था, मज़ा आया। बाकी क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अच्छी पार्टी इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई। हालांकि काफ़ी लोगों ने इसके ख़िलाफ़ भी कोशिश की थी कि पार्टी हो ही ना, बट ये कि उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया तो मज़ा आया। बस गाइस सीन कुछ हो गया कि हम पहुँचे थे यहाँ पे, इस बंदे ने जो है ना अपनी गाड़ी के अंदर चाबी छोड़ दी है, तो अब जो है वो क्या हो गया भाई? आप भाई मैं तो शीशा तोड़ता हूँ डायरेक्ट, मेरा तो यही मशवरा है शीशा तोड़ो आप। यार चेक करने जरा, अभी खोलते हैं, सबर करो। पता काफी देर हम ट्राई करते रहे, खुला नहीं, हमने हर तरह से चाबी कुछ वो जान है रीबा जी, मेरी जान, देर से हमने ट्राई किया कसम से, आखिर फाइनली हालांकि हमारा भाई है, हम पता है हम अकेले आए हुए थे, हमें नहीं पता था ये आया हुआ, किसी बच्ची से घूम रहा था, हमने इसको पहचान लिया, उसके बाद हम दूर से आए, लेकिन ये तंत्री बंदा चोर निकला, चोर यही है, अपनी गाड़ियाँ जिस जिसकी गाड़ियाँ चोरी होंगी ना, सबसे पहले इसको पकड़ा तुम लोगों ने। अब तो वही भाई देख लो यार, लेवल हो गया।